सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 6 में से 3 शूटर्स को शिकंजे में ले लिया है, जबकि बाकी शूटर्स की धरपकड़ के लिए अभियान और तेज कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस HGS धालीवाल ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस हत्याकांड में 6 शूटर्स शामिल थे, जिनमें से 3 पकड़ लिए गए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि बाकी शूटर्स भी जल्दी ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। वहीं उन्होंने बताया कि इस हत्या में इस्तेमाल हथियार और गाड़ी मुहैया कराने में शामिल 2 लोगों में से 1 को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेन लोग हैं वो चारों बाहर हैं, गोल्डी ब्राड है, अनमोल बिश्नोई है, सचिन थापन है और चौथा विक्रम ब्राड है। और उनके साथ जो मेन रोल था इस केस में 6 शूटर्स थे, 6 में 3 हमने पकड़ लिए हैं और 3 जो बाकी हैं उन पे काम चल रहा है। 2 मेन लॉजिस्टिक्स वाले थे जिन्होंने वेपन ठहर और व्हीकल्स वगैरह प्रोवाइड किए, उनमें से जो मेन था वो सचिन भिवानी पकड़ लिया, जो कपिल पंडित है वो अभी एब्सकॉन्डिंग है, और 1 मेन था जिसने रेकीज ज्यादातर करवाई थी शूटर्स के साथ मिलके और जिसने शूटर्स को पिक भी किया था वारदात के बाद, क्योंकि वो इस एरिया से बहुत ज्यादा फेमिलियर था, और रेकी वालों में से मेन वही था जिसको एग्जैक्ट पता था क्या क्या होने जा रहा है, तो उसको पकड़ कर लिया केशव, उसको पकड़ा केशव को। पूरी प्लानिंग इनकी इन्होंने काफी पहले से की थी, घटना से पहले कुछ लोग विदेश भी भागे। अब जो स्पेशल सेल किस तरह से, क्योंकि सवाल यही है कि ये गोल्डी बराड है, ये लोग विक्रमजीत बराड की, देखो LOC हमने पहले से खोली हुई है, हमारे पास कुछ केस थे, गोल्डी बराड को एक मुकोका केस में भी चार्जशीट किया है, लेकिन RCN जो है गोल्डी बराड का वो पंजाब पुलिस ने मूव किया है। हमारे पास तो एक मेन केस था मुकोका केस जिसमें हमने तमाम लोगों को अरेस्ट किया है, कईयों के वारंट्स हैं, तो उसमें आगे फर्दर क्या प्रोसीडिंग होगी तो जब कुछ टेंजिबल होगा तो हम आपसे शेयर कर लेंगे। सर एक गोल्डी बराड का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, उस पर दिल्ली पुलिस का क्या कहना है? क्या देखो पहले बात तो वो 100% वेरीफाइड नहीं है, क्योंकि फोरेंसिक्स तो कुछ हुआ नहीं है। काफी बार ये लोग अपनी वॉइस जो है मास्क करते हैं फॉर यू नो लीगल एंगल्स ऑल्सो, लेकिन अगर उसको मान भी लें सही है बिल्कुल, तो भी जो उसमें बातें बोली गई हैं वो ज्यादातर पंजाब से रिलेटेड हैं, ऐसा कोई दिल्ली के एरिए की ज्यूरिसडिक्शन का कोई क्राइम उसमें नहीं है, तो हम उसको ध्यान में तो रख रहे हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं कोई चेकटिव इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो वो गलत होगा। सर केस को फॉरेंसिक में दिया जाएगा? अगर हमें लगा कुछ दिल्ली के लिए रेलेवेंट है, दिल्ली का कोई क्राइम ऐसा उसमें डिस्क्लोज होता है या सब्सिक्वेंट होता है तो हम जरूर फॉरेंसिक्स कराएंगे। क्योंकि आपके पास और भी बहुत सारी वीडियोज होंगी और जिस तरह से इन लोगों ने सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ये एक्टिव रहे हैं, तो जो हमारे रेलेवेंट केसेज हैं उनमें हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, हम फॉरेंसिक्स कराते भी हैं, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर केस की, सिद्धू मूसेवाला की, कोई इस केस से रिलेटेड हमने फोरेंसिक नहीं करवाई है। सर गैंगजीन गैंगस्टर्स का ये भी सामने आया था कि मुंबई फिल्म को काबू में लेने जाते, तो उस पर भी क्या, क्योंकि सलमान खान के घर के बाद ऐसे चिट्ठी रखी थी, उस पर भी दिल्ली पुलिस ने इनपुट दिया था मुंबई पुलिस को? देखिए वो जो हमने 8 प्रोबेबल पहले जीरो डाउन किए थे कि ये 8 लोग सिद्धू मूसेवाला की किलिंग में शामिल हो सकते हैं किसी भी तरीके से, तो उसमें 2 लोग जो थे हमें पहले लग रहा था कि महाराष्ट्र मॉड्यूल का पार्ट होंगे, संतोष यादव और महाकाल, लेकिन वो शूटर्स में नहीं प्रूव हुए, लेकिन क्योंकि उनपे थोड़ा ग्राउंड वर्क हुआ था और महाराष्ट्र पुलिस भी सब्सिक्वेंटली उसमें काम उन्होंने किया, तो उनको फिर 2 इम्पोर्टेंट केस उनसे मिल गए, एक उनका वहां लोकल मर्डर था उसमें अरेस्ट किए गए दोनों, NBW पेंडिंग था मुकोका केस का वो भी उन्होंने एग्जीक्यूट किया, फिर उनकी इंटरोगेशन से आगे नवनाथ चंद्रवंशी का पता चला, नवनाथ चंद्रवंशी की इंटरोगेशन से उन्हें थोड़ा पता चला कि कौन लोग हो सकते हैं जिन्होंने कोई लेटर प्लेस की थी, लेकिन उसके बाद हमने एज स्पेशल सेल उसको नहीं आगे फर्दर प्रोब किया, क्योंकि वो हमारा मेन फोकस नहीं था। सर अभी ये देखा गया कि सोशल मीडिया काफी ज्यादा हावी रहा है, इन गैंगस्टर हथियारों को शो करते हैं और इससे यूथ भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होता है, उनको लगता है कि ये जो कर रहे हैं वो सही है, उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो उस पर दिल्ली पुलिस किस तरह से काम कर रही है और किस तरह से इन चीजों को लगाम लगा? देखो ऐसे अब जैसे सचिन भिवानी का ही हम देख रहे थे, ये वारदात के बाद इनका नाम आने के बाद 5,000 से ज्यादा इसको फेसबुक रिक्वेस्ट आई हुई है, तो काफी यूथ हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया से प्रभावित होता है
और काफी हम जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं या लगता है कि क्राइम को प्रमोट कर रहे हैं तो उनको हम टेक डाउन करते हैं। तो वो एक कंटिन्यूइंग मुहिम है। आपको पता है सोशल मीडिया अकाउंट खोलना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर किसी गैंगस्टर के नाम पे भी सोशल मीडिया अकाउंट है तो जरूरी नहीं हो गैंगस्टर ने ही खोला हो या खुलवाया हो, इनके नाम पे मल्टीपल अकाउंट्स हैं जिनके नाम पे जिनका ज्यादा नाम हो गया गैंग लैंड्स में या अंडरवर्ल्ड में, तो उनके नाम पे बहुत सारे अकाउंट्स हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।